राजसमंद पुलिस ने किया खुलासा, जोड़ा मासूमों को उनकी काकी ने ही दिया था कुएं में धक्का। मृतक बच्चों की काकी अणची बाई को किया गिरफ्तार। घरेलू विवाद के चलते दोनों मासूमों को दिया था कुएं में धक्का। पुलिस पूछताछ में हत्या करना कबूल किया। विवाद और संपत्ति की लालच में दोनों बच्चों की हत्या। राजसमंद जिला पुलिस ने खमनौर थाना क्षेत्र के सायो का खेड़ा गांव में 7 साल के जुड़ो भाइयों की हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक बच्चों को काकी अंची बाई को गिरफ्तार किया है। अब पुलिस आरोपी महिला से पूछताछ में जुटी है। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि खमनौर थाने में 2 तारीख को बच्चों की माता चांदनी बाई ने अपने जुड़ा बच्चों तवर सिंह व भूपेंद्र सिंह के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 3 सितंबर को उदयपुर से डॉग स्क्वाड की टीम बुलाई। इस दौरान तलाशी में गांव की पहाड़ी क्षेत्र में खेत के पास बने एक कुएं में दोनों बच्चों की तैरती हुई लाश मिली। इस पर पुलिस ने परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ की तो सामने आया कि मृतक बच्चों की काकी अंचीबाई की अपनी जेठानी चांदनी और सास के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। पारिवारिक कलह के कारण आए दिन उनमें झगड़ा होता था। ऐसे में 2 सितंबर को दोपहर के समय जब बच्चे घर से माँ को बिना बताए बाहर निकल गए तो फिर माँ ने उनकी तलाश शुरू की। इस दौरान काकी अंचीबाई को दोनों बच्चे कुएं के पास खेलते मिले तो मौका देखकर उसने दोनों ही बच्चों को कुएं में धक्का दे दिया, जिससे डूबने से दोनों ही मासूमों की मौत हो गई। वहीं पुलिस पूछताछ में आरोपी अंचीबाई ने रोजाना होने वाले ग्रह कलेश और बच्चों की मौत के बाद संपूर्ण संपत्ति खुद की होने की लालसा के कारण हत्या करना कबूल किया है। अब पुलिस आरोपी महिला से पूछताछ कर रही है।